जय श्री राम भाइयों। तो गेहूं का खेत है, इसमें से गेहूं हार्वेस्टर से कटवाने के बाद रीपर से भूसा बना लिया गया है, ठीक है। और उसके बाद अब इसमें प्लाउ चालू हो गया भाइयों, ठीक है, प्लाउ चालू हो गया है, ये देख सकते हैं आप। और स्वराज का 963 चालू हो गया है फोर व्हील में। तो भाइयों फोर व्हील का ज़माना आ गया है, ठीक है। वो समय अलग था जब दो फारी के प्लाउ और टू व्हील से ट्रैक्टर चला करते थे बहुत ही धीमी गति से, ठीक है, तो उसमें समय भी ज़्यादा लगता था और इतनी गहराई भी प्लाउ नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। अब बाद में धीरे धीरे क्या है कि टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, ठीक, और अब स्थिति यह है भाइयों कि मतलब फोर व्हील का ही ज़माना आ गया, विशेषकर खिंचाई वाले यंत्रों पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी गहराई दे रहा है, बिल्कुल समय पे प्लाउ चालू हो गया है। ये स्वराज का 963 चल रहा है, ठीक, फोर व्हील ड्राइव में। और हमारे इधर एरिया का पिपलिया मंडी का प्लाउ जो कि बहुत ही फेमस प्लाउ है, दो फारी का प्लाउ चल रहा है, ठीक है, देख सकते हैं अपन। और बहुत ही अच्छी गहराई के साथ में भाइयों, तो जल्दी प्लाउ करवाने का फायदा यही है भाइयों कि एक तो आपका टाइम की बचत होगी, ठीक है, उसके बाद गहराई अच्छी लेगा, जैसे खेत कड़क पड़ने लग जाते हैं उसके बाद अगर प्लाउ करवाते हैं भाइयों तो सही से मिट्टी पलटी नहीं खाती है और इतनी अच्छे से गहरे भी नहीं दे पाता है, ठीक है। तो इसमें जो है गेहूं के खांपे हैं भाइयों, है ना, इनको बिना मतलब जलाए, बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि इनको जला देते हैं उसके बाद खेत में प्लाउ करवाते हैं, तो इनको बिना जलाए ये प्लाउ करवा रहे हैं। तो हमारे मित्र हैं, आपसे परिचय कराऊंगा मैं, ठीक है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, अपना परिचय। और हाँ, मदन सिंह जाला, बालोदा लखा। बालोदा लखा है ना, तो जाला जी प्लाउ बहुत जल्दी चालू करवा दिया, वो नरम खेत है इसलिए। अच्छा, लेट करने से कड़क पड़ जाता है। कड़क पड़ जाता है ना जाला जी। जी, तो इसमें आप ये बताएं, जैसे बहुत सारे किसान लोग क्या करते हैं कि जो खांपे हैं, ठीक है, इनको जलाने के बाद प्लाउ करते हैं। जी जी, तो आपने बिना जलाए प्लाउ चालू कर दिया, इसका क्या कारण? अब क्या है, अब देसी खाद तो है नहीं। हाँ, देसी खाद कहाँ से लाता है, खेत कमजोर हो रहा है, खेत कमजोर हो रहा है। हमने ये सोचा कि खापे ना जलाए। हाँ, इसके बजाय सूखला करके बाद में प्लाउ कर रहे तो खाद का भी काम करेगा, ये खाद का काम करेगा, पराली है ना, ये इसमें सड़ जाएगी तो खाद। तीन साल में बिल्कुल रिजल्ट आपको मिलेगा, इससे तीसरे साल रिजल्ट मिलने चालू हो जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, अगले साल भी किया था आपने? अपन ने ये सिस्टम अगले साल भी किया, साल भी किया, दूसरा साल है आपके पास, दूसरा साल है। तो वास्तव में सही बात है भाइयों, जैसे कि क्या हो रहा है कि खरपतवार नाशक दवाइयाँ बिल्कुल धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है, ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है वो कमज़ोर होती जा रही है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं किसान की अपनी खुद की सोच, इसके अलावा वैज्ञानिकों, कृषि वैज्ञानिकों का भी यही कहना है भाइयों कि पराली जो रहती है इनको इसमें से आप भूसा निकाल लें, उसके बाद इनको बिना जलाए अगर अपन प्लाउ करवाते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन, मतलब यूँ समझ लो कि खाद का काम करेगा भैया, और ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हमेशा हम अपन देखते हैं कि हरियाणा पंजाब वगैरह जो विकसित राज्य हैं जहाँ पर खेती बहुत अच्छे से की जाती है, उनमें ग्रीन जो खाद रहता है, ठीक है, वो तैयार करके फिर उसको मिट्टी में मिला के नसे तैयार किया जाता है। तो वास्तव में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी किसान की सोच है। तो इसमें गेहूँ क्या उत्पादन आया जला जी? लोकन गेहूँ था। हाँ, 11 बैठे आपके पास? 11 बैठे है ना, तो थोड़ा कम नहीं बैठे? अगले साल कम भी आता। अच्छा 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 अच्छा, तो 11 का औसत आया भाइयों, ठीक ठाक औसत है वैसे, कोई दिक्कत नहीं। तो पानी के पहले कट गए थे जला जी? जी जी, हाँ कट गए थे ना। तो 85 बीघा करनी है, पूरा करना है 85 बीघे। तो जला जी अपने कितने बीघे की खेती करते हो? 80 बीघे की। 80 बीघे खेती करते हो ना, तो ये ट्रैक्टर अपना ही है? नहीं, भाड़ा से करवा रहा। अच्छा, तो ऐसा क्यों करा, अपने खुद ही चला लेते हैं अपना ट्रैक्टर? आधा खर्चा तो यूं ले। अच्छा, पैसा अलग, डीजल का, टायर का सा है। हाँ, आराम कर दो, 40,000 पूरा फ्री दे। अच्छा, वो 40,000 में पूरा ठेका टाइप दे दिया?
50 बीघे करना है अपने को, है ना। और थोड़ा सा फोर व्हील का भी अपने को फायदा मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं, फोर व्हील की तो खैर बात ही अलग हो जाती है नहीं। तो बहुत बढ़िया है, देख सकते हैं भाइयों, है ना। और गहराई भी बहुत अच्छी दे रहा है, ठीक है, बढ़िया गहराई दे रहा है। बकायदा मिट्टी जो है पलट रही है। अब ये जो जैसे बच रहा है भाइयों, इसको क्या होगा कि अब जैसे 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 गर्मी बढ़ेगी, है ना, अप्रैल मई, हाँ ये तपेगा। ये जो आपके जो मिट्टी के बेले हैं, ये भी गर्मी के कारण, लू के कारण, ये भी मतलब बिल्कुल मतलब यूँ समझ लोगे बिखर जाएंगे। उसके बाद इसमें डायरेक्ट रोटावेटर करके सोयाबीन की बोनी चालू, है ना। तो बहुत ही अच्छा विकल्प है, वैज्ञानिकों का भी मानना है, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा वैज्ञानिक तो किसान ही है भाइयों, ठीक है। तो बहुत अच्छी पहल है। खरपतवार नाशक दवाइयों का जो उपयोग हो रहा है भाइयों, अच्छा मजबूरी में करना भी पड़ता है, उनसे क्या है कि मिट्टी की वास्तव में उपजाऊ क्षमता खत्म होती जा रही है। तो इस टाइप की खेती कहीं ना कहीं अपने को अपनानी पड़ेगी भाइयों, ठीक है नहीं। तो देख सकते हैं अपन स्वराज का 963 आगे वेट लगा है भाइयों, करीब करीब यूँ समझ लो कि 1.5 से 2 क्विंटल के आसपास, और बढ़िया चल रहा है ना, बिल्कुल माइनर स्लिपेज है भाइयों, है ना, माइनर। फोर व्हील का यही फायदा है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं टू व्हील और फोर व्हील, झाला जी ने बताया इनके पास 3 ट्रैक्टर है लेकिन फोर व्हील ट्रैक्टर नहीं है। तो इनका मानना यही है कि फोर व्हील से अपन प्लो करवाएंगे तो गहराई अच्छी लेगा, टाइम कम लगेगा, एक समान और एक जैसा चलेगा। जैसा कि भाइयों अपन जानते हैं, जैसे टू व्हील जो ट्रैक्टर रहते हैं, चाहे कितना ही बड़ा ट्रैक्टर हो, 60 का हो 65 का हो 70 का हो, अगर वो खिंचाई पर चलेगा, ज़्यादा लोड पर चलेगा, तो उसका जो स्लिपेज रेशियो रहता है भाइयों, करीब करीब 30 से 40% स्लिपेज रेशियो उसका खिंचाई पर हो जाता है। वहीं पर अगर उसी कैटेगरी का ट्रैक्टर अगर फोर व्हील हो, ठीक है, तो उसका जो स्लिपेज रेशियो है, अगर उसको अपन फोर व्हील गियर इंगेज करके चलाते हैं, तो 10 के अंदर यानी कि 5-7% ही उसका जो स्लिपेज रेशियो है वो हो जाता है। तो बहुत से भाई लोगों को ऐसा मानना है कि जो फोर व्हील ट्रैक्टर रहते हैं, बड़े ट्रैक्टर रहते हैं, वो डीजल ज़्यादा खाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। डीजल तो वो ही लेगा, लेकिन आपका जो टाइम है, टाइम कवर करेगा। यानी कि एक तो जैसे उदाहरण के लिए अपन जैसे टू व्हील ट्रैक्टर आपका चल रहा है, ठीक है, और वो इंजन ताकत निकाल रहा, ठीक है, ताकत पहिए पे आ रही, तो पहिया स्लिपेज करते हुए जा रहा है, ठीक। तो पर्टिकुलर उस टाइम में ट्रैक्टर टाइम से पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है, उस मेड़ पे। वहीं पे अगर फोर व्हील में चलाते अपन, और जो ट्रैक्टर इंजन ताकत बनाएगा, तो बिना स्लिपेज लिए वो अगर चलेगा तो वो टाइम कवर करेगा, ठीक है। उसी डीजल में आपका ज़्यादा जुताई करेगा और स्लिपेज भी कम लेगा, ठीक है। हाँ, अब इसका जैसे इस टाइप से अगर चलेगा, इसी स्पीड से चलेगा, तो 1 बीघा 1 घंटे में, ठीक है, आराम से ये ट्रैक्टर निकालेगा। अगर 3 MB होता तो वो जगह और बढ़ जाती है। तो देख सकते हैं अपन जैसे स्लिपेज रेशियो, सबसे अच्छा देखने का तरीका यही है कि अपन इसको गुद्दी को देख लें, है ना, स्लिपेज बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल खेत पर गुद्दी के निशान बन गए हैं, तो बढ़िया है। पूरा प्लॉट इनका 40-50 बीघे का जो है पूरा प्लो करा रहे हैं, और जैसा कि इन्हें झाला जी ने बताया कि पिछले 2 साल से ये यही प्रक्रिया कर रहे हैं, तो इनका इस चीज़ का इनको फायदा भी मिला है, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये चीज़ें सभी किसानों को करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसा कि अपने को पता है हरियाणा पंजाब में पराली जलाने का जो सिस्टम है वो सरकार द्वारा बैन कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं अच्छा भी है, ठीक है, मानवता के लिए अच्छा है और ज़मीन के लिए भी अच्छा है। तो इस टाइप की खेती अपने को भी भैया करनी पड़ेगी मजबूरी में, और फ़ायदा भी है, ठीक है। ये सारा जो आपका पराली है, इसका सारा खाद बन जाएगा भैया। बहुत अच्छी गहराई है भैया, बढ़िया कह सकते हैं, बिल्कुल मिट्टी को पलट रहा है, ठीक है, खरपतवार भी रुकेगा और ये पराली पूरा आपके खाद का काम करेगी दोस्तों, ठीक। स्लिपेज दे सकते हैं आप, स्लिपेज बिल्कुल नहीं है, स्लिपेज रेशियो बिल्कुल 0 है। कौन से गियर में चल रहा है, क्या डीजल खपत है, सारी जानकारी अपन ड्राइवर भाई से लेंगे, है ना। ये गोपाल इंजीनियरिंग वर्क्स पिपलिया मंडी मंदसौर के पास में भाइयों, इनके प्लाउ बहुत चलते हैं, करीब करीब 20-22 साल से मैं खुद ही देख रहा हूँ, बहुत दिखते हैं और बहुत फेमस है हमारे इधर।
एक जो ब्रांड आते हैं जैसे एग्री स्टार लिमकन हुआ, वो एक अलग बात हो गई है, लेकिन अगर सेकंड स्टेप पे अगर देखा जाए तो ये भी ब्रांड हमारे इधर बहुत अच्छा चलता है, बिल्कुल न्यू ब्रांड है, 2023 मॉडल है भाइयों। ये देख सकते हैं अपन 2023 मॉडल। कौन से गियर में चल रहा है? फोर व्हील गियर लगा है? अच्छे लोड से चल रहा है भाइयों। L3 में क्या है, थोड़ी सी स्पीड ज्यादा हो जाती है, जम के चलेगा, अच्छे से चलेगा बिना स्लिपेज से, तो आपको L2 में लगाना पड़ेगा। करीब करीब 1200-1300 आती है भाई। क्या डीजल क्या ले लेता है एक घंटे का? 5 लीटर। और एक घंटे में जगह कितनी निकालेगा? एक बीघा निकाल लेगी। बढ़िया पिकअप है और टायर बिल्कुल नए डलवा रखे हैं भाइयों इसी साल, देख सकते हैं अपन। बढ़िया अच्छी काली मिट्टी है, मगरे क्षेत्र की मिट्टी है हमारे इधर, और खूब अच्छा दबा के चल रहा है। फोर व्हील में थोड़ा सा ये है भाइयों कि जैसे मेड़ पे आपको ब्रेक पे नहीं पलटा सकते हैं, कारण क्या है कि फोर व्हील गियर इंगेज रहता है, तो अगर आप ब्रेक पे इसको पलटाओगे तो कहीं ना कहीं वो रिस्की रहता है ना, पलट तो जाएगा लेकिन हर बार पलटेगा तो हो सकता है गियर में दिक्कत हो जाए। ठीक है, करीब करीब 4 क्विंटल के आसपास, 4 या 5 क्विंटल के आसपास इसका वजन होना चाहिए। हाई लो मीडियम गियर के साथ में आता है भाइयों। ठीक है, प्लानेटरी ड्राइव है, ठीक है भाइयों। तो ये क्या है, खेत लगातार पिछले साल भी प्लव हुआ था है ना, तो उसके ये पराली के जो अवशेष है ठीक है वो अपन देख सकते हैं भाइयों। ठीक, ये देख सकते हैं आप,
ये जो मिट्टी का अपने गेहूं की जो गेहूं, हाँ, गेहूं की जो अगले साल पिछले साल की जो पराली थी वो नीचे दबी थी, ठीक है। तो अपन देख सकते हैं भाइयों पूरी तरह से ये मतलब पक गया है, यूं समझ लो है ना, सड़ गया है। हाँ तीसरे साल तो कहीं ना कहीं ये वास्तव में बहुत ही अच्छे खाद का काम करता है भाइयों, ठीक। बिल्कुल अपन एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ये भेले जो मिट्टी के पलट रही है तो बहुत सी जगह पे अपन देख सकते हैं, ठीक है। अब पिछले साल के जो पराली के जो अवशेष हैं वो अपन देख सकते हैं, ठीक है, पिछले साल के। तो बहुत ही ज़ोरदार सिस्टम है भाइयों, बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है इस चीज़ का। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अपने को अपनानी पड़ेगी भाइयों। तो उससे क्या है, खरपतवार से भी अपन निजात पा पाएंगे, और सबसे मेन चीज़, ठीक है, मेन चीज़ ये है कि जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है वो बहुत अच्छी पुष्ट और प्रबल हो जाएगी भाइयों। हाँ बिल्कुल, मुलायम भी हो जाती है, ठीक है। उसका पता कब चलता है भाइयों, जब अपन सूखे में बोनी करते हैं, ठीक है, जैसे लहसुन बोते हैं उस टाइम पे आपका जो ये पराली में प्लो करा हुआ पलटाया हुआ अगर आप उसको बोनी करोगे तो आपको बिल्कुल सीडिल में पता चल जाएगा, है ना, मिट्टी बिल्कुल मुलायम हो जाएगी, जैसे अपन गोबर का खाद डालते हैं उस टाइप से, ठीक है भैया। तो बढ़िया है, यही था वीडियो। जैसे भी वीडियो लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दोस्तों। जय श्री राम।